यहाँ तक सब कुछ डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में, देखिए न्यूरल सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम बस इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इनके बारे में, कितने अंडे वंडे देते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म। तो लिखिए फ्रॉग, 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 हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखिए। अब यहाँ पर लिखिए फ्रॉग, ये है वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो लिखिए वन पेयर टेस्टिस। अब इसके बारे में कुछ खास बात, ए इट इज येलोइश एंड ओवॉइड इन शेप। ठीक है, एंड दिस द टेस्टिस इज एडहियर्ड टू अपर पार्ट ऑफ किडनी। और किसके द्वारा, लिखिए बाय मेसोर्कियम। इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ओके, अब यहाँ से किडनी से जुड़ा हुआ है और किडनी के, अब यहीं से इम्पॉर्टेंट है, एंटर किडनी ऑन द अदर साइड एंड ओपन इनटू, एंटर किडनी एंड ओपन इनटू, ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। एंड then communicate urinogenital duct। और यहां से भैया लिखो open into क्लोएका। क्लोएका पासेस तीन चीज, लिखिए यूरिन, स्पर्म और द थर्ड इज फीकल मैटर। नया क्या लिखवाया मैंने यहाँ से कि एक पेयर टेस्टिस किस पे चिपका होता है, अपर पार्ट ऑफ किडनी, किसके थ्रू, मेसोर्कियम के थ्रू, और फिर ये साइड वाइजली किडनी में ये एंटर करता है और एंटर करने के बाद ये खुलता है बिडर्स कैनाल में, बिडर्स कैनाल के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट से। अब यूरिनोजेनाइटल डक्ट से ये बाहर, मतलब यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो तो किडनी के बाहर ही है, डक्ट तो किडनी के बाहर ही है। अब यहाँ से ये किसमें खुलता है, क्लोएका में, और क्लोएका से यूरिन भी पास होता है, फीकल मैटर भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। बात समझ में आ गई, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए।
बात समझ में आ गई? ये पॉइंट लिख लेना खाली साइड में कहीं, वासा इफरेंशिया 10 से 12 होती हैं टेस्टिस के अंदर, पासेस यूरिन स्पर्म फीकल मैटर। केवल एक साइड में बात लिख लो, वासा इफरेंशिया टेस्टिस के अंदर ही होगा ना, कितनी होगी 10 से 12 संख्या में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही इम्पोर्टेंट है, फीमेल में तो किडनी से कोई लेना देना ही नहीं, वो अलग से रहती है साइड में। हो गया, कोई डायग्राम वाइग्राम बनाना चाहे तो बना सकता है। देखो किडनी के जस्ट ऊपर में टेस्टिस है, हाँ, और देखो किडनी के अंदर जो है वासा इफरेंशिया दिख रही है तुमको, किडनी के बगल से होते हुए यूरिनोजेनाइटल डक्ट में खुला, उसके बाद क्लोएका, फिर बॉडी के बाहर। किसी को ज़रूरत है तो बना लीजिए, वरना एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए हेडिंग डालिए। वासा इफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर। ठीक है, ये नोट किया ना तुम लोगों ने, बाकी लोगों ने? वासा इफरेंशिया 10 to 12 इन नंबर अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। यहाँ पर लिखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिखो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ लिखिए वन पेयर ओवरी। ठीक है, यहाँ पर लिखिए नियर किडनी, लेकिन नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। ओके, वन पेयर ओवरी, और क्या है, वन पेयर ओविडक्ट। दीज डक्ट ओपन इनटू क्लोएका, सेपरेटली, मतलब दो डक्ट है तो दो अलग ओपनिंग है। ओके, बात समझ में आ गई? देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखिए ये है भैया आपकी ओवरी, ये है ओविडक्ट, और ओविडक्ट सीधे क्लोएका में खुल रही, किडनी से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? हो गया, तो ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। अब बस लास्ट टॉपिक देखो, देखियो वन ए मैच्योर फीमेल ले 2,500 to 3,000 ओवा एट, अच्छा ये ओवा कहाँ रिलीज करेंगे, पानी में, कहाँ पर? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा, एक्सटर्नल, और जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट। मतलब टैडपोल, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, लार्वल स्टेज, और यहाँ पर लार्वल स्टेज में क्या आता है, टैडपोल। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, और इसके बाद क्या होगा, इट विल कन्वर्ट टू एडल्ट, कई सारी लार्वल स्टेज के बाद एडल्ट। अब लिखो फ्रॉग,
बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। क्यों कैसे? दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट क्रॉप, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, सर्व एज इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट भैया, कुछ लोग इसको खाते भी हैं, तो लिखो मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग, यूज्ड एज फूड बाय मैन। बात समझ में आ गई? वो कर लीजिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, और आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं द एंड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। मस्कुलर लेग फ्रॉग के नीचे, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, सर्व एज इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन इन इकोसिस्टम, ठीक है, और क्या लिख दिया, मस्कुलर लेग फ्रॉग का कौन खा रहा, इंसान खा रहा, फूड वेब, सेम फूड चेन या फूड वेब एक ही बात, फूड, अरे यार तुम लोग ऐसे लिख लो, चाहे मैं फूड चेन की बात करूं चाहे मैं फूड वेब की बात करूं, ठीक है, थैंक यू।